महाकुंभ भारत की बंधी उम्मीदें, गोल्ड मेडल पर टिकी निगाहें, ये है लंदन ड्रीम। लम्हा आ गया जिसका सारी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। लंदन उन ऐतिहासिक मुकाबलों का गवाह बनने जा रहा है जो चार साल में सिर्फ एक बार होता है। 1908 और 1948 के बाद ये तीसरा मौका है जब लंदन इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। 30वें ओलंपिक खेलों के लिए लंदन सज धज के तैयार है, बस कुछ वक्त और इंतजार और उठेगा लंदन ड्रीम से पर्दा। दिनों में 8,000 से ज्यादा लोगों द्वारा थामी गई ओलंपिक मशाल से रात को जब ओलंपिक पार्क में मुख्य मशाल जलाई जाएगी तो शुरू होगा सबसे बड़ा खेल आयोजन। 2.5 घंटे चलने वाले ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी लंदन के वक्त के हिसाब से 9:30 बजे शुरू होगी। भारतीय दर्शक इस सेरेमनी को करीब 1:30 बजे रात को देख सकते हैं। उद्घाटन समारोह का निर्देशन स्लम डॉग मिलेनियर के ऑस्कर विजेता डैनी बैल कर रहे हैं। ऐसे में बीजिंग ओलंपिक की तरह इस समारोह में कुछ नए करिश्मे की उम्मीदें हवा में तैर रही हैं। भारतीयों के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसा पहली बार है जब ओलंपिक में भारत पदक के दावेदारों में गिना जा रहा है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मैदान पर उतर कर रंग जमाने के लिए तैयार है। दुनिया के 205 देशों के 10,490 खिलाड़ी 302 गोल्ड मेडल के लिए अपनी चुनौती 26 खेलों में पेश करेंगे। ये ओलंपिक भारत के लिए उम्मीदों से भरपूर है। भारत के 81 खिलाड़ी हॉकी समेत कुल 13 खेलों में हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से इसके लिए तीरंदाज दीपिका कुमारी, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, रोजन सोठी, पहलवान सुशील कुमार, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, एमसी मैरी कॉन, टेनिस स्टार महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस काफी मेहनत कर रहे हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।